नमस्कार जी, तनेजा रसोई में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम चार मिठाइयां बनाएंगे, जलेबी, गुलाब जामुन, काजू रोल और बालूशाही। आप भी इस दिवाली पर घर पर ही इन स्वादिष्ट मिठाइयों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलेबी बनाएंगे तो उसके लिए पहले चाशनी बना लेते हैं। ये 2 कप हमने चीनी ली है, 1 कप पानी डालेंगे इसमें। एक का की चाशनी बनानी है हमें। थोड़ा सा केसर डालेंगे इसमें। 2 इलायची है जो मैंने तोड़ के डाल रही हूँ इसमें। केसर का कलर आ जाए। दो बूंद ऑरेंज फूड कलर है ये। ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें, 1 तार की चाशनी बनानी है तो चिपचिपी हो थोड़ी। देखिए चाशनी हमारी बन चुकी है। एकदम चिपचिपी हो गई है ये। अब हम जलेबी का घोल तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 बड़ा चम्मच घी लिया है हमने, इसे खस्ती करारी बनेगी जलेबी। अच्छे से मिक्स करेंगे, घी एकदम से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले इसमें। हाथ से करेंगे इसको, हाथ से अच्छे से हो जाता है ये कि पूरे मैदे में ये घी पहुंच जाए, एक एक कण में, तभी जलेबी खस्ता बनेगी। एकदम अच्छे से बाइंडिंग हो जानी चाहिए इसमें। देखिए एकदम से मिक्स कर लिया है हमने मैदे में घी। ये देखिए ये बाइंडिंग बन रही है, इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल तैयार करेंगे हम। गाढ़ा घोल तैयार करेंगे हम इसमें, एकदम स्मूथ घोल तैयार करेंगे इसका, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसमें, इतना फेंटे एकदम स्मूथ हो जाए ये। देखिए ऐसे स्मूथ होना चाहिए। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है, एकदम स्मूथ है ये, एकदम गाढ़ा घोल बनाया है हमने। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जलेबी बनाने के लिए या तो ये सॉस की बोतल यूज कर सकते हो इस तरीके से, या फिर ये बोतल ले सकते हो। इस तरह ऐसे सॉफ्ट होनी चाहिए, ऊपर छेद इसके छेद कर लेंगे छोटा सा, इसमें भी डाल के बना सकते हो। ये पॉलीथीन बैग है, इसमें भी डाल के बना सकते हैं। आज मैं इसे बनाऊंगी। इस पाइपिंग बैग से बनाएंगे हम जलेबी। मुझे बैटर को 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 1 शीशे इनो डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये फॉरवर्ड हो चुका है, ये अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको हमने। अब इस पाइपिंग बैग में डालेंगे इसको, इसे ही डाल देंगे हम। अच्छे से पैक कर लेंगे ऊपर, इस तरीके से आप बंद करके ऊपर रबड़ भी लगा सकते हो ऐसे घुमा के, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो इस तरीके से। चलिए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। आज हम इसे घी से बनाएंगे। घी में ज़्यादा घी नहीं डालना है, इतना थोड़ा ही डालना है। इस पाइपिंग बैग में छोटा सा कट कर लेंगे हम ऊपर से, एकदम हल्का सा कट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हल्का
हल्का ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे, ऐसे कर देंगे, पलट पलट कर देंगे। एक साइड से थोड़ी सिक जाए फिर इसको पलट देना है, उलट देना है इसको। देखिए हमारी जलेबी किस तरीके से बनी है, कमेंट करके बताएं कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कहाँ से देख रहे कमेंट करके बताएं, हमें अच्छा लगता है कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप। देखिए हमारी सिक चुकी है, देखिए ब्राउन हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे हम। ये देखिए क्या जलेबी बनी है हमारी, ये देखिए कुछ भी फैला नहीं है इसमें। अभी चाशनी में डाल देंगे इसको, निकालते ही चाशनी में डाल देना है हमें, हल्की गर्म चाशनी में डाल देनी है इसको। देखिए क्या जलेबी बनी है, इतनी क्रंची बनी है इसकी जलेबी, झटपट बनने वाली चीज़ है ये। कई तरीके से बनाई जाती है जलेबी, खमन उठा के भी बनाई जाती है, वैसे भी बनाई जाती है। हमने आज इनो डाल के बनाई है, हल्की सी सिक जाए इसको परत दो, ऐसे उल्ट पुलट कर दो। हल्की ब्राउन हो जाए जब निकाल के चाशनी में डालें, हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए चाशनी, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए नहीं तो गीली हो जाएगी जलेबी। हल्की गर्म में डालें तो खस्ता रहेगी। देखिए ब्राउन हो चुकी है हमारी जलेबी, इसको चाशनी में डाल देंगे। दो मिनट ही रखनी है इसको जलेबी को चाशनी में। देखिए हमने चाशनी में डाल दिए इसको, दो मिनट हो चुके हैं इसको, अब इन सबको निकाल लेंगे हम। इस तरीके से चाशनी भी निकल जाती है चिमटे से निकालने से। आप भी इस तरीके से बनाइए जलेबी, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, खस्ता बनती है इतनी। ये देखिए पूरा चाशनी निकल चुकी है इसकी, मीठी भी हो गई है। ये देखिए हमारी जलेबी बन चुकी है, ये देखिए। आप भी इस तरीके से बनाइए जलेबी, बहुत ही कुरकुरी खस्ती जलेबी बनती है, इंस्टेंट जलेबी फटाफट बनती है। इनो डाल के खमन उठा के भी बना सकते हो, ये एकदम जल्दी बनती है। मैदा घोल लो, हीनो डाल के घोल बना के और जलेबी बना लो। ये देखिए क्या कलर आया, क्या टेक्सचर है, क्या शाइनिंग है, वाह गजब। कमेंट करके बताएं कैसी बनी है, थैंक यू। घोल बनाते समय अगर घोल गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा पानी डाल लीजिए, अगर पतला हो जाए तो थोड़ा मैदा डाल लीजिए। गाढ़ा घोल होना चाहिए जलेबी बनाने के लिए। काले गुलाब जामुन बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1.5 कप हम मिल्क पाउडर लेंगे, 1.5 कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है, उसमें 1/2 कप दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। दो तीन चम्मच और डाला था हमने दूध, ये घोल तैयार कर लिया है हमने। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में, आज मीडियम ही रखेंगे। अब ये घोल डाल देंगे इसमें,
डो बनने तक पकाएंगे इसको। इसको हिलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, पूरा डो बनने तक ही पकाएंगे इसको। एकदम मीडियम आंच पे ही पकाना है इसको। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये परफेक्ट डो बनने के लिए। कढ़ाई छोड़ देगा सारा, अभी कढ़ाई पे चिपका हुआ है ये गाढ़ा गाढ़ा डो बनाना है बाहर के। एकदम मीडियम पे ही बना रहे हैं हम। ये देखिए डो बन चुका है हमारा। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है इसने, अब गैस बंद कर देंगे। ये देखो अपने आप ही घूम रहा है ये। अब इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है इसको, इस तरीके से फैला देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। ये 1.5 कप हमने चीनी ली है, 1.5 कप ही इसमें पानी डालेंगे हम। थोड़ी सी केसर की पत्तियां हैं, चिपचिपी चाशनी बनानी है हमारे को, एक तार की, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमारे को। 2 बूंद फूड कलर डालेंगे हम इसमें, येलो फूड कलर डाला है मैंने। तीन से चार मिनट इसको बनाए पकाएंगे। 2-3 इलायची डाल देंगे तोड़ के। ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। ये गैस बंद कर देते हैं। देखिए चाशनी बन गई हमारी, अब इसको एक साइड में रख देंगे। चलिए गुलाब जामुन के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। डो हमारा ठंडा हो चुका है। 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी थोड़ा थोड़ा चिपकेगा ये हाथ पे। दो चम्मच मैदा डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करना है इसको। डो की फॉर्म में लाना है इसको, अच्छे से मिक्स करना है। चिपक रहा हो तो थोड़ा घी लगा लें हाथ पे। देखिए हमारा मिक्सचर एकदम बंद चुका है। स्मूथ कर लें इसको, एकदम स्मूथ कर लें। देखिए हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है। अब इसकी बॉल बनाते हैं। ये हमने पिस्ता, केसर और वो इलायची के दाने डाले हैं इसमें, जो हम गुलाब जामुन में स्टफिंग करेंगे इसकी। थोड़ा सा पीला कलर डाला है इसमें। छोटी छोटी बॉल बनाएंगे, एकदम स्मूथ करना है इसको। इसे बना के इसके अंदर ऐसे करना है, थोड़ा सी मिक्सर डाल देना है। ये इस तरीके से बंद करके एकदम स्मूथ गोली बना लेनी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे सारे। ये देखिए हमने सारे बॉल बना लिए हैं। चलिए इसको फ्राई करते हैं हम। मैं आज घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। हल्का गर्म होने देंगे इसको। ये हल्का गर्म हो चुका है घी हमारा। अब इसमें गुलाब जामुन डालेंगे हम। ये देखिए हल्के हल्के बबल उठ रहे हैं इसमें, अभी हिलाएंगे नहीं इनको। मीडियम आंच में ही हमारे को सेकना है ताकि अंदर तक सिक जाए ये। हल्का सा ऐसे हिला देना है ताकि चिपके ना नीचे। इनको हिला देना है धीरे से। धीरे धीरे हिलाते रहना है इनको ताकि चारों तरफ से हमारे बराबर सिके। देखिए कैसे फूल रहे हैं हमारे गुलाब जामुन।
देखिए डार्क ब्राउन हो चुके हैं, अब थोड़े और डार्क करेंगे इसको हम, जैसे काले जामुन होते हैं, घुमाते रहना है इनको। देखिए हमारे जामुन डार्क हो चुके हैं, अब इसको चाशनी में डाल देंगे। हल्की गर्म चाशनी है हमारी, ज़्यादा उकलती हुई चाशनी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म है चाशनी। अभी इसमें डाल देंगे हम, इसको डुबो देंगे ऐसे। चलिए दूसरा बैच डाल देते हैं इसमें। देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, डार्क हो चुके हैं ये, और ये भी इसमें डाल देंगे चाशनी में। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बन चुके हैं, डबल हो गए हैं हमारे गुलाब जामुन, जो साइज हमने बनाया था उसे डबल हो गया है। इसको एक दो घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे इसको, ताकि चाशनी गुलाब जामुन के अंदर चली जाए। आप इस तरीके से बना के देखें एक बार, बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। देखिए हमारे गुलाब जामुन बन चुके हैं, काले गुलाब जामुन। आप भी इस तरीके से बनाइए एक बार, बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। चलिए काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन, ये देखिए क्या स्टफिंग है, देखिए अंदर, वाह। काजू रोल बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये गुलकंद लिया है एक कटोरी, ये थोड़ा ड्राई फ्रूट लिया है हमने, ये दो चम्मच क्रश किए हुए पिस्ता है, ये काजू है, ये बादाम है, ये अखरोट है, ये सब एक मिक्सचर इसमें डालेंगे हम। ये आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है हमने, थोड़ा सी कलर डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं मिलाना है इसको, मैश करेंगे इसको। ये गुलकंद की जगह आप खजूर भी डाल सकते हो इसमें। दो चम्मच खसखस डालेंगे हम, सो भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बन चुका है, बाइंडिंग हो चुका है ये, अब इसके रोल बनाएंगे। एक हमने पॉलीथीन ले लिया है, थोड़ा घी लगाएंगे इस पर, थोड़ा आटे भी लगाएंगे। जो मिक्सर बनाया है हमने, इसको दो भाग कर लेंगे, इसको रोल करेंगे इस पर, इस तरीके से बना लेंगे हम रोल। ये एक कटोरी हमने काजू लिए थे, मतलब उसको मिक्सर बना लिया है, इसका पाउडर बना लिया हमने, ये इसमें डालेंगे। ये चौथाई कटोरी नारियल का बुरादा है, ये दो चम्मच हमने चीनी का बुरादा लिया है, क्योंकि गुलकंद भी मीठा होता है इसलिए ये कम डाल रहे हैं हम, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। चलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, पल्स मोड पे चलाएंगे इसको। ये सारा कुछ मिक्स कर लिया है हमने, ये चौथाई चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं इसमें, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के बाइंडिंग करेंगे, डो बनाएंगे इसका। देखिए हमारा डो बन चुका है ये, और इसके भी हम रोल बनाएंगे। थोड़ा घी लगाएंगे थोड़ी तीन पे, थोड़ा हाथ पे लगाएंगे, ये थोड़ा डो लेंगे हम, इसे दो पार्ट कर देंगे। इसको रख के ऐसे पहले हाथ से करेंगे थोड़ा, तो
थोड़ा सा हाथ से सही करके फिर ऐसे बेलन से भी हम कर लेंगे इसको। लंबाई में करना है हमारे को ऐसे। ये हमने बना लिए इसको, इसके पहले दो भाग करेंगे। जो हमने रोल बनाए थे वो इसमें रखेंगे इसको, वही इस तरीके से करेंगे। हाथ से सही करेंगे थोड़ा इसको, ऐसे पूरा चिपका लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे बहुत। ये देखिए हमारा रोल बन गया है, ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। ये देखिए हमारे रोल बन चुके हैं, अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे हम। ये देखिए रोल हमारे बन चुके हैं, फ्रिज में रखे थे हमने आधा घंटा के लिए। इस पर वर्क लगाएंगे हम, एकदम आसान तरीका है वर्क लगाने का इसके। ये देखिए अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको बराबर का करने के लिए इसको इस साथ में रखें। ये देखिए हमारे काजू रोल बन के तैयार हो चुके हैं। आप ही बनाइए गुलकंद के काजू रोल। ये देखिए क्या शाइनिंग है। बालूशाही बनाएंगे इसके लिए एक ये परात लिए मैंने, ये छलनी रखी है इस पे। 2.5 कप हम मैदा लेंगे, 2.5 कप हमने मैदा ले लिया है। अब 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, अच्छे से छान लेंगे। अभी कोई गुठली गुठली ना रहे इसमें। ये 1/2 कप हमने घी लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें मोइन के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको, बाइंड हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए मुट्ठी में आटा ये लेंगे मैदा हम। ये देखिए एकदम से बाइंड हो, परफेक्ट बाइंड है इसमें। इसे उठा के ये देखिए एकदम टूट नहीं रहा कहीं से भी, परफेक्ट है बाइंडिंग इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे, हल्के हाथों से गूंदना है हमें इसको। एकदम हल्के हाथों से गूंदना है, हल्का सा इकट्ठा करना है बस हमें इसको, मैश नहीं करना है। देखिए एकदम हल्के हाथों से मैंने बाइंड कर लिया है इसको, इकट्ठा करना है बस मैदे को, मैश नहीं करना है हमें। ये देखिए इकट्ठा हो, ये देखिए जाली देखिए इसकी, ये देखिए किस तरीके की जाली बनी है इसमें। ऐसे ही हमें बनाना है आटा। इसको रख देंगे 10 मिनट। चलिए चाशनी बना लेते हैं। 2 कप हमने चीनी ली है, लगभग 500 ग्राम चीनी है ये। 2.5 कप पानी डालेंगे हम इसमें, मीठा नॉर्मल बनाना है मेरे को, आपको ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। कप बड़ा था इसलिए 2 कप में 500 ग्राम चीनी हुई है हमारी। 500 ग्राम चीनी डाल ले कैसे भी डाल सकते हो। 1/2 कप पानी में हमने केसर भिगो के रखा था वो भी डाल देंगे इसमें। सिर्फ गाढ़ी चाशनी बनानी है हमारे को, तार वार नहीं बनानी है इसमें, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम ज़्यादा मीठा खाने के लिए।
बीच बीच में हिलाते रहें इसको। चाशनी मैली हो तो एक चम्मच बिल्कुल डाल दें, आधा चम्मच इलायची डाल देंगे हम इसमें। साबुत इलायची भी तोड़ के डाल सकते हो इसमें, मेरे पास क्रश करी हुई पड़ी थी इलायची। मुझे नॉर्मल मीठी बनानी थी बालू से, इसलिए 2 कप मैंने चीनी डाली थी इसमें। आप चाहो तो 2.5 कप भी डाल सकते हो, जैसे 2.5 कप अपने मैदा लिया है 2.5 कप चीनी डाल सकते हैं इसमें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी एक साइड में चाशनी बन रही है, हम बालू शेक बना लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं इसको। मीडियम साइज की बालू शेक बना रही हूँ, आप चाहो तो बड़ी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो। पेड़ा लीजिए, इसको इस तरीके से घुमाएं हल्के हाथों से, ऐसे दबा दें और फिर इस तरीके से कर लें इसको। देखिए हमारी बालू शेक, चलिए सारी बना लेते हैं हम। इस तरीके से बना के इसको ऐसे दबाना है, आप चाहो तो इससे भी कर सको, हाथ से नहीं कर सको उंगली से तो इससे भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से बना सकते हो। देखिए हमने सारी बालू शेक बना ली है इस तरीके से। देखिए अब इसको फ्राई करेंगे हम। चाशनी भी हमारी बनने वाली है। दो तीन मिनट और पकाएंगे इसको। देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है, तो गैस बंद कर देंगे। हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, ये देखिए एकदम चिप रही है हाथ में। चलिए अब आलू शाही बनाते हैं। चलिए आलू शाही फ्राई कर लेते हैं हम। एक कढ़ाई रखी है हमने गैस पे, हल्का गर्म करेंगे इसको। मैं आज घी से बना रही हूँ, आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। घी पूरा मेल्ट होने देंगे फिर हम बालू शाही डालेंगे इसमें। सिर्फ मेल्ट करना है इसको, गर्म नहीं करना है ज़्यादा। देखिए घी मेल्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सी मैं डाल के देखेंगे मैदा। देखिए हल्के हल्के से बबल उठ रहे हैं इसमें। अब हम ये बालू शाही डालेंगे इसमें, जितनी आ सके उतनी डालेंगे इसमें। देखिए एकदम हल्के हल्के उठ रहे हैं बबल इसमें, एकदम मीडियम आंच पे पकाएंगे इसको। हम इसको हिलाएंगे नहीं जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाए। देखिए हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं इसमें, जब तक ऊपर नहीं आ जाएगी इसको हिलाना नहीं है हमें। देखिए सारी ऊपर आ चुकी है हमारी, इसको इस तरीके से हिलाना है थोड़ा, आपको आपस में चिपके ना। हल्का सा हिलाएंगे इसको, अब इसको नीचे से पकने देंगे। 5 मिनट तक पकने देंगे हल्का ब्राउन होने तक। हल्की सी सिक चुकी है, अब इसको ऊपर नीचे कर देंगे, फोड़ देंगे इसको। देखिए नीचे से हल्की फ्राई हो चुकी है ये, अब ब्राउन होने तक से तलेंगे इसको। देखिए हमारी बालू शाही ब्राउन हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे हम। निकाल के सीधा ही चाशनी में डालेंगे, हल्की गरम चाशनी में डालना है हमारे को। देखिए किस तरह की बनी है हमारी बालू शाही, एकदम कटदार बनी है। अब इसको चाशनी में डाल देंगे। देखिए आपको नज़दीक से बताती हूँ मैं चाशनी। ये देखिए चाशनी में डाल देंगे हम, 3 से 4 मिनट रखेंगे हम इसको, उसके बाद इसको निकाल लेंगे हम। तेल वापस ठंडा होने देंगे हम, फिर इसमें बालू शाही और डालेंगे। दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं हम, इसको भी ब्राउन होने तक कर लेंगे हम। फिर चाशनी में से छलनी में निकाल लेते हैं ताकि चाशनी इसके अंदर से निकल जाए बाकी की। 3 से 4 मिनट हमने रखा है चाशनी में,
इसको छलनी में निकाली है हमने ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा चास है वो निकल जाए। ये देखिए हमारी बालूशाही बन चुकी है, ये देखिए एकदम रसीली बालूशाही बनी है। कलर टेक्सचर देखिए इसका बहुत ही अच्छी बनी है। ये आपको तोड़ के बताती हूँ मैं, ये देखिए एकदम रस भरी बनी है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक यू।